बारे में करिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त भी होंगे। तो सभी लोगों को बहुत बहुत राम राम। और अभी मैं सुबह, तो आपको पता ही है कि ये है मेरा मेथी पानी। और आज ना मैंने एक्स्ट्रा पानी बनाया है अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि अब से वो भी यही पानी पियेंगे सवेरे सवेरे जैसे मैं रोज़ पीती हूँ। तो जो भी उनको भी प्रॉब्लम हो रही पेना दर्द की, वो ठीक हो जाएगी। तो होता है और सही भी रहता है। अगर आप अकेले करने से उब गए हो ना, तो अपने साथ किसी और को भी ऐड कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पानी वगैरह पीने के बाद रोज़ के तरीके मैं आई हूँ ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए। और ये मेरे ऊपर का रूम है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मैं ही यूज़ करती हूँ सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे रोज़ की होती है ना, मतलब एक टाइम कर लेना चाहिए। अभी तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो इस टाइम ना बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लगती है। तो जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे सवेरे नहीं हो पाता है, तो चाहे तो वो दोपहर के खाना खाने के बाद शाम को, मतलब काफ़ी गैप हो जाता है ना उस बीच में, तो उस टाइम भी थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो है अभी तो फ़िलहाल हमारा एक बार हो जाए वही बहुत है, तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, शाम को नहीं करती हूँ। शाम को बस ऐसे ही वॉक हो जाती है। तो बस थोड़ी बहुत हल्की एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, जितनी सक्षम है आप करने में उतनी ही एक्सरसाइज करिए। ज़बरदस्ती अपने शरीर पर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा जो है बोझ मत डालिए, जितना हो सके ना उतना ही करिए। तो मैं भी उतना ही करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जान रही हूँ कि थकावट बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे पास ना कोई एक ही काम नहीं होता है, और भी बहुत से काम होते हैं। तो मैं, हम लोग बाहर तो जा नहीं सकते दौड़ने के लिए, तो घर में दौड़ लगा लेती हूँ। तो सब कुछ करने के बाद ऊपर से आई हूँ ना, थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ गर्मी से। तो उसके बाद मैं आ गई अपने, दोबारा से अपने काम पे जुट गए हैं। तो इधर बनाना था कटहल के कोफ्ते, तो मैंने कटहल को ना अच्छे से एक बार दो सीटी से बॉईल कर लिया था। और करने के बाद मसाला वगैरह मिक्स करके इसको मैं रख दूँगी, मतलब आधा काम पहले कर लेते हैं, आधा काम बाद में, नहा के जब आऊँगी ना उसके बाद कर लूँगी तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर थोड़ा और ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए, और मैंने इसमें तो सब कुछ काट वाट के ना मिक्स करके रख दिया है। और फिर मसाला भी हमारा भुना हुआ है, तैयार है। तो थोड़ा सा बेसन लग रहा था कि उसमें कम है, तो थोड़ा सा मैं और ऐड कर ले रही हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और बिल्कुल तो यही मसाले हैं, बेसन मसाले। और अब देख रहे हैं कि मंथ का लास्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे मसाले भी कम होते जा रहे हैं ना, तो अब इन सबको वॉश भी करना है मुझे। तो भाई बहुत से काम है, गर्मी उतनी ज़्यादा है, काम भी उतना ही ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे ना मैं आधे काम कर ले रही हूँ, जिससे मुझे काम करने में आसानी रहेगी। तो मैं ऐसे गोले वोले बना के ना इसको ऐसे ही ढक के चली जाऊँगी, फिर बाद में इसको मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद कुछ बनेगा। तो होता है जितनी जल्दी जैसे आपका काम हो सकता है उतनी ऐसे ही आप कर लीजिए। तो मैं आगे दोबारा से जो है फिर से इसको बनाने के लिए, और थोड़ा सा मैंने इसलिए इसको रख दिया था ना, जिससे ये थोड़ा सा और हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो इसलिए, और इसमें बिल्कुल भी इसको मैश करते समय एक बूंद भी पानी नहीं पड़ता, क्योंकि कटहल उबला हुआ है तो वैसे ही उसमें बहुत पानी है। लेकिन कटहल को आप लोग अच्छे से एकदम से बिल्कुल निचोड़ लीजिएगा, जिससे एक्सेस पानी है ना वो निकल जाएगा। तो बस इसी तरह से मैं कोफ्ते बनाती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने फिर डाला है, मैंने उसको फ्राई कर लिया है और फ्राई करके उसको अलग रख दिया। और जो प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, जो मसाले मैंने आपको दिखाया ना भुने हुए थे, उन सब मसालों को मैंने इकट्ठे ही पीस लिया है, अलग अलग नहीं पीसा, सबको इकट्ठे पीस लिया है। और पीसने के बाद जो बेसिक मसाले होते हैं रोज़ के, कश्मीरी मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी, धनिया और नमक, तो इन सब चीज़ों को डाल के एक बार अच्छे से मसाले को भून लेंगे। और आज मैं इसको इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि मुझे इसके बाद और भी काम है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको बना लेती हूँ, तो मुझे दाल चावल सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी अलग से। तो ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें 2 चम्मच मलाई, जो कि फ्रिज में हमेशा ही रखते हैं हम लोग, हमेशा रोज़ ही निकालते हैं मलाई, रोज़ रखते हैं। तो ये रोज़ वाला मलाई है, तो थोड़ा सा क्रीमी सा टेस्ट आता है। तो आज ये सब्ज़ी ना दाल का भी काम करेगी, और सब्ज़ी तो ये खुद ही है ही है, तो मुझे अलग से दाल नहीं बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसे बना लिया। और जो कोफ्ते हमारे फ्राई किए हुए थे ना, एक बार आने के बाद मैंने इसको डाल दिया। और डालने के बाद इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए करने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा, यम्मी सा, क्रीमी सा
कोफ्ता मेरा बनकर हो गया तैयार। बस धनिया की पत्ती डालिए और गरम गरम चावल रोटी के साथ खाइए। तो भाई आज का हमारा लंच यही है, कटहल के कोफ्ते, रोटी और चावल। तो ये सब काम हो जाने के बाद, मैंने आपसे बताया था कि मंथ का आखिरी है तो जो भी सामान वगैरह होते हैं ना डिब्बों के, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जब जो ख़त्म हो चुके हैं, जितने ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, उन सब को निकाल कर मैं फिर से डिब्बों को अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद धूप में सुखा लूँगी, फिर दोबारा इसमें हम सामान रखेंगे। तो बस इसी तरह से हमारे किचन का काम, हमारे रोज़ का काम होता रहता है। तो डिनर वगैरह अभी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ सब्ज़ी बनी है, चावल बन चुका है, रोटी सेकनी रहती है। तब तक मैंने डिब्बे सब भी निकाल लिए थे, क्योंकि होता है ना थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपट जाए, थोड़ा जो है तो थोड़ा रिलैक्स मिलता है, थोड़ा खुद के लिए भी आराम मिलता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आज मेरे किचन की हाफ़ डीप क्लीनिंग हुई है। हाफ़ डीप क्लीनिंग इसलिए हुई है क्योंकि अभी आधे डिब्बे धुले हैं और आधे डिब्बे में कल धुलेंगे, वैसे ना बहुत डिब्बे हो जाते हैं। तो इसीलिए हाफ़ डीप क्लीनिंग आज तो मैंने कर दिया। जितने डिब्बे वगैरह थे ना, मैंने सबका सामान निकाल दिया। जो खाली थे वो तो धुल ही रहे हैं, जो खाली नहीं है उनको खाली करके धो लूँगी और धो धा के सबको धूप में रख देंगे। तो बस एक बैच में पहले बाहर रख चुकी हूँ, ये सेकेंड बैच है। तो बस इसी तरह के आज का काम यहीं पे हो गया ख़त्म। उसके बाद अभी लंच तो बाकी है, अभी लंच करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा सोचूंगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, पहले डिब्बों को अंदर ला के रख लूँगी उसके बाद। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो है बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा आप लोग का, और जो है जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बस आज के जितने काम थे वो सब भी हो गए, रेस्ट भी हो गया, और अभी मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ। तो बातों में क्या, बस रोज़ के हाल चाल पूछूँगी, और आज तो कुछ स्पेशल ऐसी कोई ख़ास बात नहीं करनी है। आप बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ जो है मेरी रिक्वेस्ट को ज़रूर मान लीजिए। मतलब मैंने सुबह से ना बिल्कुल भी कोई बात वगैरह नहीं की थी, क्योंकि जो है बहुत व्यस्तता है, और मंथ का जब आखिरी महीना चल रहा हो, आखिरी हफ्ता चल रहा हो, तो काम भी उसी हिसाब से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितने भी जो डिब्बे वगैरह खाली हो जाते हैं उन सबको वॉश करती हूँ, और उसके बाद फिर दूसरा सामान उसमें भरा जाता है। तो यही सब जो है काम था, तो उसमें व्यस्त थी, तो इसलिए मैंने आपसे ऑन कैमरा सामने सामने फ़ेस टू फेस बात नहीं की। तो जब तक बात नहीं कर लेते हैं तब तक जो है मन नहीं करता है, चाहे हम जितना भी वॉइस ओवर करके बातें कर लें, तो उसमें कहते हैं ना सामने सामने बात करने का जो बात होती है वो अलग होती है। इसलिए और बस 32 बार फार्मूले के साथ जीने की आदत डाल लीजिए। बहुत अच्छा व्यायाम जो है फ़ायदेमंद है, नुकसान एक पैसे का भी नहीं है, और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। मीन्स अगर आप अपने शरीर को अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो करने के लिए सोचना पड़ता है। हम जिम जाएं, हम ये कर ले वो कर ले, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे खर्चने होंगे। लेकिन ये चीज़ ऐसी है ना कि इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो और दूसरी चीज़ की है कि अगर बिना कुछ किए अगर मिल रहा है, मतलब अगर जो आप कर रहे हो सो अपने लिए ही करेंगे, लेकिन अगर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में मिल जाए, मीन्स ना जिम जाने का है खर्चा, ना कुछ है, ना एक्स्ट्रा टाइम निकालने की प्रॉब्लम हो, और शरीर अच्छा हो जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो प्लीज़ इस फार्मूला को ज़रूर अप्लाई करिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और कहते हैं ना जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी बातें होती हैं, उसका कहीं ना कहीं बहुत मतलब होता है, और सही भी होता है। तो आप अप्लाई करके देखिए, मैंने तो कर लिया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं कर रही हूँ और कंटिन्यू करती रहूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन से नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो बार बार करिए, कभी ना कभी इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ, नई लाइफस्टाइल के साथ, मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं वो लोग मुझे देखते रहिए, और बताइए कि कुछ कमी है या नहीं है, जो भी है वो आप लोग बताएँ। तब तक चलते हैं, बाय बाय।